documentos. पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, क्या बताएंगे आप? I, Satyapal Malik, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Jammu and Kashmir and give to the best of my ability to preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jammu and Kashmir. With your permission, Honorable Governor, the proceedings will now be closed. देखिए, हम सबको उम्मीद है कि अच्छे आदमी हैं और इंशाल्लाह ये अच्छा करेंगे,
इस रियासत को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करें. हाउ डू यू सी द टाइमिंग सर? टाइमिंग इज द टाइमिंग डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 35A वी डोंट डिसाइड. 35A हियरिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो व्हाट? हाउ सो व्हाट? There is a 35A hearing that will be going on. That will go on. So it can't change anything. Right. मैंने पहले भी ये कहा है, ये बहुत गलत चीज. हम पॉलिटिकल डिफर कर सकते हैं और उसका मतलब नहीं है किसी की जान लेना. हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, इसमें हक है इंसान को अपना मुद्दा जो है वो रखना लोगों के सामने. पसंद नहीं है मत सुनिए, मगर ये गलत है कि किसी को आप मार दें. और पुलिस वाले क्यों मारेंगे? उसको तो प्रोटेक्शन देनी है लोगों को, क्यों मारेंगे उसको आप? सर, देयर इज अ टाइम्स कैंपेन ऑफ राइट टू लाइफ, पाथ टू लाइफ, वेयर वी सीन यस्टरडे इन पानीपत एम्बुलेंस वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल फंक्शन एंड अ चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. आई हैव सीन इट बिफोर ऑल्सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज ट्रैवलिंग एंड द होल ट्रैफिक केम टू अ स्टॉप. The man died in the ambulance in Delhi. Right. That also I have known. So because of our traffic, we do not understand the traffic. Whenever ambulance anywhere in the world moves, everybody leaves the road for the ambulance. In India, we have not learned that. Please. I want to have a cup of tea. ये भी कहा कि बेरोजगारी की वजह से लोग जो हैं आईएसआईएस ज्वाइन कर सकते हैं. आप करिए. मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब चूंकि मुद्दे नहीं रहे और उनके समझ में आ गया कि इस देश की 130 करोड़ जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में इस विकास यात्रा को आगे ले जाना है, और इसलिए तरह तरह के नए बहाने भी ढूंढते हैं, नए मुद्दे भी उठाते हैं. और कभी कभी असम में, दूसरी जगहों पे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों में वोटरों की तलाश कर चार किलिंग्स हुई कल डॉक्टर साहब यहाँ पे ईद के मौके पर. बीजेपी का एक नेता भी था. हमें विश्वास है कि नए राज्यपाल जिस प्रकार से उन्होंने अपना पदभार संभाला है और एक उत्साह सारी जनता में है, तीनों संभागों में, जम्मू में, कश्मीर घाटी में और लद्दाख में, इससे निश्चय ही सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक नई पहल का भी अवसर रहेगा और एक नया विश्वास जागने की भी उम्मीद होगी. चार हत्या के मौके पर हुई, आपको लगता है ऐसे में पंचायती चुनाव यहां कर पाना मुमकिन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक पंचायती चुनाव का संबंध है, यदि हमने जमीनी स्तर पर जमहूरियत और प्रजातंत्र कायम करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो वो अधूरी रहेगी जब तक स्थानीय इकाइयों के चुनाव ना हो. ये बात बड़ी स्पष्ट और वाजे हो जानी चाहिए. हाँ, कुछ एक ऐसे अनासर, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 20-25 वर्ष में एक खला में, एक वैक्यूम में अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कला पर महारत पा ली. वो निश्चय नहीं चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर का आम आवाम, आम युवा कितना जागरूक है, कितना एस्पिरेशनल है, इसका सबूत, इसका प्रमाण इस बात से जाहिर है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मेरिट लिस्ट में और टॉपर्स में सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा में कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिलों के बच्चे आते हैं. इस वर्ष भी आईआईटी जेई में 38 बच्चे यहां से उत्तीर्ण होकर गए हैं कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिलों से. नीट में लगभग 50 बच्चे. मुझे कभी कभी ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि कश्मीर के आम नौजवान की एस्पिरेशन दूसरे हिस्से के लोगों की तुलना में या देश के दूसरे युवाओं की तुलना में कहीं अधिक है, और वो देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अनेकों अद्भुत अवसर नौजवानों और अफसरों के लिए उपलब्ध हुए हैं, उसके उससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, और हमारा ये फर्ज है कि हम उसको पूरा मौका दें. सर, पार्ट टू लाइफ इज इन दिस एन राइट ऑफ द कॉमन मैन, शुड एम्बुलेंसेस बी ब्लॉक्ड बाय पॉलिटिकल फंक्शन? सर, 35A पे क्या कहेंगे? एकजुट हुआ है पूरा कश्मीर और 27 तारीख को हियरिंग है. देखिए, जो अदालत में कचहरी में जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मोटे तौर पर, लेकिन ये कहने में भी मैं कोई संकोच नहीं करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का ये इतिहास रहा है कि कभी भी नारी को एक समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं रहे. इक्वेलिटी ऑफ राइट फॉर वुमेन,
आपने देखा होगा सदन में इन्होंने ट्रिपल तलाक के बिल की मुखालफत की, उसका विरोध किया, और जम्मू कश्मीर में बेटियों को जमीन जायदाद का हक मिले उसकी भी ये मुखालफत करते रहे। जम्मू कश्मीर सरकार बनाने की भाजपा कभी तोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती, ये तो गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव रहता है, गवर्नर रूल की घोषणा भी गवर्नर साहब के जायजे से हुई, राज्यपाल के जायजे से, और आगे का जो भी घटनाक्रम रहेगा राज्यपाल शासन में, राज्यपाल ही सरकार के मुखिया हैं, उन्हीं का जो जायजा होगा, जो अप्रेजल होगा, जो उनके निष्कर्ष एवं कंक्लूजन होंगे उस पर आधारित। जिस तरह जो लोकल सिक्योरिटी पर्सन है, चाहे सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, उनकी हत्याएं हो रही है, आपको लगता है ये चिंता का विषय है? चिंता का विषय तो कोई भी हत्या है वो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर का आम आवाम, खासतौर आम नौजवान, देश के दूसरे हिस्सों की तरह मोदी जी के इस न्यू इंडिया की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है, और इसीलिए ये 30-35 वर्ष से जो लोग, जैसे मैंने कहा, इस खला और वैक्यूम की राजनीति में पनप रहे थे, वो अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं तेरे तो ये भी कहने में भी मुझे कभी संकोच नहीं रहा कि ये जो मिलिटेंसी है ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है। बहुत से ऐसे अनासर हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे तत्व हैं, सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, खबर अच्छी सुर्खी बनती है, जो चाहते ही नहीं कि यहाँ मिलिटेंसी का खात्मा हो, लेकिन आम आदमी, आम नौजवान दोनों, मिलिटेंसी हैज डेवलप्ड इनटू अ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड हैज बिकम अ कोलिजन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट बोथ इन द सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट लॉबी और इवन इन द सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम लॉबी, बिकॉज दे हैव लर्न टू सर्वाइव इन दिस एटमोस्फियर ऑफ मेहम, बट दी आम the common people of Kashmir, the common youth of Kashmir has moved on, and that's a great advantage. Pakistan has got a new dispensation under Imran Khan and he has offered dialogue on Kashmir. So what do you have to say about I don't think it will be out of turn for